हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और हम हिस्ट्री की क्लास लेके आए हैं जिसके अंदर हमारे प्रीवियस ईयर में आए हुए जो एमसीक्यूज हैं और जो उनसे संबंधित नए प्रश्न क्या बन सकते हैं उनके बारे में देखेंगे। तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है ये वीडियो, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, ठीक है। और हमारी पॉलिटिकल की जो सीरीज चल रही है उसमें भी कंटिन्यू वीडियो आ रहे हैं, तो आप पॉलिटी की वीडियो भी देख सकते हैं, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, ठीक है। और हमारे एक वीडियो सीरीज और आ रही है जिसके अंदर 30 महत्वपूर्ण जो प्रश्नों की सीरीज है वो लेके आ रहे हैं, जिसके अंदर आपके आगामी जो पेपर हैं उनके अंदर 30 प्रश्न क्या हो सकते हैं, तो आपके लिए एवरीडे वो चलेगी, ठीक है। तो वो भी ज़रूर देखिए और अपना प्यार ऐसे देते रहिए, ठीक है। तो हमारा जो हिस्ट्री की जो क्लासेज हैं, ठीक है, उसके अंदर हम अब जो सभ्यताएँ थी हमने वो पढ़ ली हैं, आज हम स्रोत पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा हमने मुगल राजपूत संबंध, ठीक है, प्रमुख राजवंश, ठीक है, और ये सब देखेंगे। और उसके अलावा जो क्लास संस्कृति है उसकी क्लास हम हिस्ट्री की क्लास कंप्लीट करके क्लास संस्कृति क्लासेस शुरू करेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा समय गवाते नहीं हैं तो शुरू करते हैं। हमारा पहला जो प्रश्न है वो गोसुंडी अभिलेख भाषा में लिखे गए हैं, किस भाषा में लिखे गए हैं, ठीक है। तो कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक जैविक प्रलेख इसमें ही आया है, उसके अलावा डिग्री जो JN का जो पेपर हुआ था इलेक्ट्रिकल का उसमें भी आया हुआ है, ठीक है। तो जो गोसुंडी शिलालेख है, ठीक है, ये चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ है, ठीक है। उसका जो है ये संस्कृत एवं ब्रह्मी लिपि में लिखा गया है, ठीक है। तो इसके अंदर ब्रह्मी लिपि नहीं है, तो इसके अंदर संस्कृत है, तो संस्कृत यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। और ये शिलालेख जो सर्वप्रथम है तो डॉक्टर BR जो भंडारकर हैं उनके द्वारा पढ़ा गया है। इसके अंदर राजस्थान के जो वैष्णव और भागवत संप्रदाय से संबंधित ये प्राचीन अभिलेख है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, कीर्ति स्तंभ के रचयिता थे, ठीक है। तो कीर्ति स्तंभ है उसके बारे में देखें कि जो कीर्ति स्तंभ वो चित्तौड़गढ़ कीर्ति स्तंभ में कई शिलाओं में उत्कीर्ण श्लोकों का एक समूह है, ठीक है, जिसमें कहीं इसमें जो 3 से 8 जो श्लोक हैं वो परावल से, फिर हम इसमें हमीर का वर्णन किया गया है। तो इसके जो प्रशस्तिकार जो कवि हैं वो हैं अत्रि, ठीक है, लेकिन इनका देहांत हो गया था तो किसी कारण जो इनके पुत्र हैं जो कवि महेश भट्ट, ठीक है, उन्होंने इसको पूरा किया, तो इसका उल्लेख भी इस जो प्रकृति स्तंभ जो प्रस्तुति है उसके अंदर मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्न कथनों में से कौन सा जो कथन है वो चिरवा शिलालेख के बारे में सही है, ठीक है, सही गलत है, तो सही और गलत हो उनको ऐसे अंडरमार्क लेता ताकि आपको ध्यान रहे, ऐसे भी बहुत सारे प्रश्न सिली मिस्टेक से गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें पहले पढ़ते हैं कि यह 1273 ईस्वी में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है, रतन पर्व सूरी इसके प्रस्तुतिकार थे, ठीक है। तीसरा इसके शिल्पी देलहण, ठीक है। चौथा अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों का इसमें उल्लेख है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या सही हो सकता है, ठीक है। तो चिरवा जो गांव है उसके जो मंदिर की जो बाह्य दीवार है वहां से ये जो लेख है शिलालेख है ये प्राप्त होता है, ठीक है। इसमें क्या है कि जो मेवाड़ के गुहिल वंश के जो संस्थापक हैं जो शासक हैं उनके बारे में जिनमें जेत्र सिंह तेज सिंह और समर सिंह की जो उपलब्धि हैं उनके बारे में उल्लेखित किया गया है। तो जो रतन पर्व सूरी हैं वो इसके प्रशस्तिकार रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जो इसके जो शिल्पी हैं वो देलहण थे, ठीक है। जो उनके शिष्य हैं पार्श्व चंद्र इसे सुंदर लिपि भी प्रदान की गई थी इनके द्वारा, ठीक है। तो ये भी नाम ध्यान रखना, पार्श्वचंद्र, ठीक है, और ये 1273 का है, ठीक है। तो इसके अंदर सही हो जाएगा 1, 2 और 3, ठीक है। चौथा अग्निकुंड वाला नहीं है, ठीक है, ये हम अग्निकुंड वाला है जो अगले प्रश्न में देखेंगे, ठीक है, आने वाले प्रश्न में, ठीक है। 17वीं शताब्दी की रचना राज्य प्रशस्ति महाकाव्य की रचयिता कौन है, ठीक है। तो जो राज प्रशस्ति है ये विश्व की सबसे बड़ी, ठीक है,
ये विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है, ठीक है। ये रणछोड़ भट्ट तेलन, ठीक है, उसने जो मेवाड़ के महाराणा थे राजसमंद, उनके आदेश पर, ठीक है, राजसमंद झील है वहाँ पे इसको बनवाया था। ये ब्लैक कलर के जो बड़े बड़े बड़ी शिलाओं हैं उनमें ये है, जिनके अंदर क्या है कि अलग अलग 106 संस्कृत में श्लोक लिखे गए हैं, ठीक है। और इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो तथ्य है वो ये ध्यान रखना कि महाराणा अमर सिंह द्वारा मुगल मेवाड़ संधि, ठीक है, उसका वर्णन मिलता है। तो ये प्रश्न भी बन सकता है कि मुगल मेवाड़ संधि का जो वर्णन है वो किस प्रशस्ति मिलता है, तो राज प्रशस्ति में मिलता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, रणछोड़ भट्ट, ठीक है, अगला प्रश्न देते हैं, किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है, ठीक है, तो बिजोलिया शिलालेख में कहा गया है, ठीक है। तो ये क्या है कि यह शिलालेख 1170 ईस्वी में, ठीक है, खोजा गया था। ये बिजोलिया जो गांव है उसके एक पार्श्वनाथ मंदिर के पास एक चट्टान पर पूरा बनाया गया है। इसके अंदर क्या है कि अजमेर व सांभर जो चौहान वंशी शासक हैं, ठीक है, उनको वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताते हुए वंशावली व उनकी उपलब्धियों का पूरा लेख शिलालेख में वर्णन किया गया है, ठीक है। तो विग्रहराज जो चतुर्थ है, ठीक है, वो दिल्ली अपने अधीन थे, दिल्ली उनके अधीन थी, ये भी इसके अंदर मिलता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, बिजोलिया अभिलेख किस वंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है, ठीक है। बिजोलिया अभिलेख चौहान की, ठीक है, जो चौहान शासक है उनकी उनके बारे में है, ठीक है। अगला प्रश्न, बिजोलिया लेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किसने करवाया, ठीक है, वासुदेव, ठीक है, वासुदेव ने करवाया। तो जो बिजोलिया जो शिलालेख है उसके जो रचयिता थे उनका नाम है गुणभद्र, ठीक है, और ये अभिलेख पृथ्वीराज तृतीय के जो पिता हैं सोमेश्वर उनके काल का है, ठीक है। तो इसके अंदर कई जानकारी प्राप्त होती हैं, जैसे कि जो प्राचीन नाम है उनके बारे में, जैसे जबालीपुर जालोर को कहते थे, ठीक है, साकंबरी सांबर को कहते थे, श्रीमाल जो भीमाल को बोलते थे, ठीक है, फिजियावल्ली फिजोलिया को बोलते थे, मंडलकर मांडलगढ़ आदि। इनके अनुसार क्या है कि चौहानों को आदि पुरुष वासुदेव चहमन तो 551 ईस्वी में के हैं, ठीक है, उनको क्या है कि साकंबरी में जो चौहान है उनकी राज्य की स्थापना के लिए, ठीक है, तथा इसमें जो सांबर जो झील है उसका निर्माण कराएगा। ये सब जो फैक्ट हैं ये बिजोलिया लेख के अंदर मिलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, आबू के अभिलेख के लेखक कौन है, ठीक है, आबू के अभिलेख के जो लेखक है वो है शुभचंद्र, ठीक है। तो जो नेमिनाथ जी के जो मंदिर की जो प्रशस्ति है 1230 ईस्वी की, ठीक है, उसके अंदर ये मिलता है, जिसको क्या कि जो सोमेश्वर देव हैं उनको शुभचंद्र भी बोलते हैं, ठीक है, तो ये उसके अंदर उत्कीर्ण है, ठीक है। इसको क्या कि तेजपाल द्वारा जो है उन्होंने बनवाया था, आबू पर देलवाड़ा गांव के जो नेमिनाथ मंदिर में जो लगाई गई थी, ठीक है, उसमें क्या कि वस्तुपाल और परमारो और तेजपाल इन तीन वंशों का वर्णन भी मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट, अपराजित के शिलालेख के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है, ठीक है, तो दामोदर, ठीक है, तो 661 ईस्वी में दामोदर द्वारा, ठीक है, एक अपराजित का शिलालेख
बनवाएगा, जिसमें कि मेवाड़ के गुहिल शासक ऐपराजित की उपलब्धियों का वर्णन है। ठीक है, यह लेख मेवाड़ के नागदा गांव के निकट कुंडेश्वर के मंदिर में मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा, और किसी चीज़ का कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको वहाँ पे आपका सॉल्यूशन कर दिया जाएगा कोई भी चीज़ का हो। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, राय सिंह की प्रशस्ति का संबंध निम्न में से किससे है? राय सिंह की जो प्रशस्ति है उसका वर्णन बीकानेर। ठीक है, जो ये जो शासक जो भी हैं इनके बारे में हम जब इनका जो वो राजवंश पढ़ेंगे तब बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हम बस ऊपर ऊपर की जानकारी, इनसे जो संबंधित जानकारी है उस बारे में ही बात कर लेते हैं, नहीं तो फिर वीडियो और लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो हम राजवंश के अंदर बिल्कुल पूरा देखेंगे हर एक राजा को। ठीक है, तो जो राज सिंह प्रसिद्धि है ये क्या कि बीकानेर शासकों पर है, उनसे संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न, घटियाला प्राकृत अभिलेख किस शासक संबंधित है? ठीक है, प्रतिहार कुक कुक। ठीक है, जो घटियाला जो शिलालेख वो 861 ईस्वी का है। ठीक है, तो जोधपुर के पास जो घटियाला एक जगह है उसके एक स्तंभ पर ये बनाया गया है। इसमें क्या है कि नरेश कुकुट, ठीक है, का जो यशोगान है, जो इसमें क्या है कि जैसे यशोगान का मतलब उसकी प्रशंसा की गई है इसमें कि न्यायप्रिय जनहित का संपादक और वीर साहसी शासक, ऐसे इन चीज़ों के बारे में बताया गया। तो इनकी रोहिल से कुकुट यहाँ तक की पूरी वंशावली इसके अंदर है। इस लेख में मग जाति के ब्राह्मणों का भी उल्लेख है, मग जाति के ब्राह्मणों का उल्लेख। ठीक है, आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख शिलालेख जिला और स्थान इसके बारे में है? ठीक है, और ये सिविल डिप्लोमा में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो इसके अंदर हो जाएगा गठियाला जैसलमेर। ठीक है, यहाँ पे ये मिस्टेक है, यह आएगा जोधपुर। ठीक है, अगला प्रश्न, बड़वा ग्राम कोटा में कितने मोखरी युग अभिलेख प्राप्त हुए हैं? ठीक है, यहाँ पे 3। ठीक है, यह क्या होता कि सन 181 ईस्वी में कोटा के एक एक जिला है बड़वा। ठीक है, वह गांव, उसमें 3 युग लेख मिले हैं जिसके मोखरी वंश उनका वर्णन मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न, कुंभलगढ़ प्रशस्ति, बहुत बार पूछा जाता है ये प्रश्न, कुंभलगढ़ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? ठीक है, कवि महेश। ठीक है, कुंभलगढ़ प्रसिद्धि जो राजसमंद में है, ठीक है, ये 1460 की है। ठीक है, तो इसमें देवनागरी व संस्कृत भाषा दोनों भाषाओं में लिखी हुई है। ठीक है, इसके अंदर महाराणा जो मेवाड़ के जो महाराणा था उनकी वंशावली है। ठीक है, अगला प्रश्न, बरली का शिलालेख जो कि अशोक के काल से पूर्व का माना जाता है कहाँ स्थित है? बडली का शिलालेख, बडली का शिलालेख जो है उसके बारे में देख लेते हैं। बडली का जो शिलालेख है वो 443 ईस्वी का है। ठीक है, और ये अजमेर में है। ठीक है, और ये भिलोट माता एक मंदिर है, भिलोट माता का, ठीक है, वो है, और इसकी जो लिपि है वो रहेगी ब्राह्मी लिपि। ठीक है, और अभी वर्तमान में ये जो अजमेर का जो संग्रहालय है म्यूजियम उसके अंदर रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट सुमेलित करना है, इधर शिलालेख दे रखे हैं, ठीक है, इधर इनकी डेट दे रखी है, उस हिसाब से इनको सुमेलित करना है। तो बिजोलिया शिलालेख ये हो जाएगा 1200,
26, ठीक है, सिरवा शिलालेख ये हो जाएगा 1330, ठीक है, ये इसमें ये रहेगा, ठीक है, इनकी डेट है जो सही दे रखी है, ठीक है, ये 1226, 1330, 1485 और 1996, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ भी सुमेलित करवाया गया है, अचलेश्वर शिलालेख, इसमें सही कूट का चयन करना है, ठीक है। इसमें जे ये रहा चिरवा जो शिलालेख है वो इसके अंदर गलत हो जाएगा, कि चिरवा जो है वो 1330 का है, ठीक है, तो 1, 2 और 4 सही रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसानों से वसूल की जाने वाली विविध लाभ भागों का उल्लेख किससे प्राप्त होता है, ठीक है, चीकली, ताम्रपत्र, 1483 का जो है उसमें मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट, हाडी रानी कर्मावती द्वारा जौहर में प्रवेश करते समय दिए गए भूमि अनुदान की जानकारी का स्रोत कौन सा है, ठीक है, वो तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये 1535 ईस्वी में, ठीक है, बहादुर शाह के चित्तौड़ पर आक्रमण के दौरान राजपूत स्त्रियों के द्वारा अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए जौहर में प्रवेश करने की जो घटना हुई थी उसके बारे में ये वर्णन करता है। इसमें जो रानी कर्मावती है, ठीक है, जो रानी कर्मावती जौहर में प्रवेश करते समय जो अनुदान दिया गया था, ठीक है, उसकी वर्णन कर देता है, ठीक है, चिकली। पूर्व ताम्र पत्र, ठीक है। अगला प्रश्न, राजस्थान से प्राप्त सबसे प्राचीनतम सिक्के कहलाते हैं, ठीक है, राजस्थान से जो सिक्के हैं वो आहत सिक्के हैं जो मोहर से बनाए जाते थे, ठीक है। डोडिया क्या है, डोडिया यहाँ पे डोडिया क्या है, इससे पहले हमने जो आहत सिक्के थे उनकी बात की थी, जो उनके अंदर सांबर के जो अंचमार्क थे उनकी बात की थी, रेड के जो 3000 75 सिक्के निकले थे उनकी बात की थी, रंगमहल की मुद्राएं, ठीक है, वो सभी जगह ने बात की थी वो प्राचीन सभ्यताओं में, ठीक है, तो वो भी आप एक बार अगर वो वीडियो देख लेना ताकि आपको थोड़ा सा ध्यान हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, डोडिया क्या है, डोडिया जो है वो जैसलमेर का प्राचीनतम सिक्का है, ठीक है। ये सिक्का इतना छोटा होता था कि ये कौड़ियों की भांति मतलब यूज होता था, ठीक है, इसलिए कौड़िया डोडियाँ, ठीक है, तो सिमिलर सा नाम लग रहा है ना, इसीलिए झाड़शाही सिक्का। तो झाड़शाही सिक्का है वो कौन सी रियासत से संबंधित है, तो झाड़शाही सिक्का है वो जयपुर की जो रियासत है उससे संबंधित है, तो जो मुगल काल के अंदर ये सिक्के चलाए गए थे, ठीक है, वो ब्रिटिश काल में चांदी के कहलदार सिक्कों का भी जो प्रचलन था वो जो सिक्के बंद हो गए थे बाद में, ठीक है। अगला, गदिया किस राज्य से संबंधित है, गदिया जो है वो किस राज्य से संबंधित, गदिया जो है वो एक सिक्का है जो मेवाड़ के कई स्थानों पर हुन द्वारा प्रचलित चांदी व तांबे के जो सिक्के होते थे, ठीक है, जो क्या है कि इनका नाम गदिया कहते हैं कि जो इनका जो मुंह था वो गधे की तरह दिखाई देता था, तो इनको गधिया सिक्के बोल देते हैं, ठीक है। तो ये उदयपुर, मेवाड़, उदयपुर, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा मेवाड़ का राज्य का सिक्का नहीं है, ठीक है, अब बात करते हैं मेवाड़ के सिक्कों के बारे में। तो मेवाड़ के अंदर चित्तौड़ी, ठीक है, डींगला, ठीक है, त्रिशूलिया, भिलाड़ी, उदयपुरी, ठीक है, मुगली, एलची, जो एलची होते थे वो, चांदोड़ी, ठीक है, स्वरूप शाही और फतेह शाही और भोपाल शाही, उसके अलावा शाह आलम सी, ठीक है। तो ये सिक्के होते थे, इनके अंदर ये चारों सिक्के ही है ना, ये सिक्के इसके नहीं है, हमने सबकी बात की उनमें कोई भी ये सिक्का नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कौन सा युग्म सही है, ठीक है, तो कौन सा युग्म सही नहीं है की बात है। देखो ये सही और नहीं को है ना मार्क कर लें, ताकि क्योंकि इसमें बहुत बार कन्फ्यूजन होता है, बहुत सारे सवाल अपन को सिली मिस्टेक कारण गलत होते हैं, ठीक है, तो आगे ये भी ध्यान रखें। तो सुमिलित नहीं है, झाड़शाही सिक्के अभी हमने पढ़े थे जयपुर के हैं, ठीक है, तो विन चोपक चौहान वंश के, ठीक है, विजयशाही सिक्के ये नहीं है, बीकानेर के हैं,
सिक्के हैं ये, नहीं है ये, ठीक है। तो जोधपुर के जो महाराजा हैं विजय सिंह, उन्हें सर्वप्रथम मुगल आलम शाह की आज्ञा प्राप्त कर उन्होंने तांबा के और चांदी के सिक्के चलाए थे। तो ये आएगा जोधपुर का, ठीक है। किसने चलाए थे? विजय सिंह ने। अगला प्रश्न, राजपूताना की किस रियासत के सिक्कों पर एक और साम्राज्ञी विक्टोरिया का चेहरा, अंग्रेजी में विक्टोरिया एम्प्रेस लिखा होता था, तथा दूसरी और नगरी और उर्दू लिपि में महाराजा का नाम लिखा होता था, ठीक है। ये आरएस प्री एग्जाम 2013 में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो ये किससे संबंधित है? ये बीकानेर से संबंधित है। हम जब राजवंश पढ़ेंगे तब बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। अभी आप बस ये ध्यान रखिए कि जो सिक्का था उसकी एक और साम्राज्ञी विक्टोरिया का चेहरा, और अंग्रेजी में विक्टोरिया एम्प्रेस, दूसरी ओर नागरी और उर्दू लिपि में राजा का नाम लिखा होता था, ठीक है। और ये बीकानेर के जो गंगा सिंह है उनसे संबंधित है, ठीक है। डिंगला भिंडरिया नाथ द्वारिया, ठीक है। ये जो है ये सिक्के, इनके बारे में तो ये क्या है कि जो मेवाड़ में जो चलते थे सिक्के उनके बारे में है। तो मेवाड़ में कौन कौन से सिक्के चलते थे? मेवाड़ के अंदर ढींगला भिंडरिया नाथ द्वारिया हो गया, उसके अलावा भिलाई त्रिशूलिया, ठीक है, ये सिक्के भी चलते थे, ठीक है। ये गलत हो जाएगा, यहाँ सिक्के आएंगे, ठीक है। अगला, 31 रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल में बनता था, ठीक है। ये कुचामन जो है उसके अंदर 1838 में कुचामन के ठाकुरों ने मान सिंह जी की आज्ञा प्राप्त करके, ठीक है, वहाँ चांदी का जो कुचामनिया जो सिक्का है उसको बनाया, ठीक है। तो शाह आलम द्वितीय का जो 31वां राज्यवर्ष लिखा होने से 31 संदा, ठीक है, इसका नाम हुआ। तो इसको और कोई नाम थे उनके इससे बोलते थे जिसमें वो पुशाही, ठीक है, उसके अलावा बोर सी रुपया भी कहते थे। तो यहाँ पे हमारे वीडियो समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और तरह के कोई डाउट हो तो आप में नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे जो हिस्ट्री के साथ हमारी पॉलिटी की जो क्लास है वो भी चल रही है, वो भी आप देख सकते हैं, उसकी प्लेलिस्ट मिल जाए आपको। तो थैंक यू सो मच इतना सा सपोर्ट करने के लिए।